हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज एरो। आज मैं आपको यामाहा फेजर या यामाहा एफजी मॉडल्स का एयर फिल्टर क्लीनिंग करने का प्रोसीजर बताता हूं। अगर आप नया एयर फिल्टर बदलाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर, पुराने के जगह नया एयर फिल्टर डाल दो। अगर आप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो वंस एवरी मंथ एयर फिल्टर को क्लीन करना चाहिए। अब इसे करने के लिए पहला सीट कवर को निकालो, उसके बाद यहाँ पर दो स्क्रूआँ रहते हैं, एक स्टार स्क्रू और एक एलन की स्क्रू, दोनों को निकाल दीजिए। अब एलन स्क्रू रख के ये थोड़ा टाइट रहता है, केयरफुल्ली निकाल दीजिए। इसके बाद इसे निकालने के लिए दो लॉक्स रहते हैं, एक टैंक के नीचे खींचो और एक पीछे तरफ रहता है लॉक, उसे खींचो। ये दो लॉक रहते हैं और नीचे तरफ का ऊपर को लिफ्ट करना चाहिए। ये डस्ट को क्लॉथ लेके चुपके एक ब्लो करो बस। अगर आप कितना भी क्लीन करो, एक दो दिन में फिर से ये डस्ट पकड़ेगा, सो चुपके क्लॉथ से क्लीन कर दो। एक दो तीन चार पांच स्क्रूआँ रहते हैं, इस पांच स्क्रूआँ को निकाल दो, स्टार स्क्रू ड्राइवर लेके आराम से निकाल दो। अब एयर फिल्टर को आप रेगुलरली एवरी मंथ क्लीन करते रहे तो आपकी गाड़ी की माइलेज 45 किलोमीटर पर लीटर आएगी। और अगर आपका गाड़ी को चलाते समय ब्लैक स्मोक आ रहा है तो उसका मतलब है एयर फिल्टर डस्ट के वजह से जाम होके है। सो आप इस एयर फिल्टर को जब क्लीन करते हो तो ऑटोमेटिक ब्लैक स्मोक गायब हो जाता और आपकी गाड़ी की पिकअप, राइडिंग क्वालिटी और माइलेज सब ओरिजिनल शोरूम पीस जैसे बन जाएगी। अब एयर फिल्टर का ब्लॉक से एक मेन सिम्टम क्या होता था, आप जब ड्राइविंग करते हो तो सबकी एक प्रॉब्लम रहती है, पर्टिकुलर आरपीएम या 3000 आरपीएम पर गाड़ी चलती है तो उस समय गाड़ी हिकप्स फील होते हैं। हिकप्स का मतलब उसे पेट्रोल का सप्लाई ऑफ जैसा लगता है, तो आप फील करते हो कि ये 3000 आरपीएम अराउंड जाते हैं तो आपकी गाड़ी सडन से स्ट्रगल करती है। सो इसका एक मेन रीज़न क्या है का तो ये एयर फिल्टर ब्लॉकेज हुआ है घर को। ये एयर फिल्टर अब इस तरह डोर को ऊपर के तरफ खींच के साइड से स्लाइड करके निकाल लो। अभी एयर फिल्टर, अब आप डस्टी या पोल्यूशन एरिया में गुजरती है का तो आपकी बाइक, तो एयर फिल्टर डस्ट को ज़्यादा सक कर लेता है, इसकी वजह से इमिडिएटली ब्लॉक हो जाता है। सो रेगुलरली क्लीन करने से आपकी गाड़ी फ्रेश और स्मूथ चलती है। और वो 3000 आरपीएम का जो आप स्ट्रेन या हिकप्स फील कर रहे हैं ना, वो गायब हो जाएगी एयर फिल्टर क्लीन करने से। अब ये एयर फिल्टर हमारा, इस एयर फिल्टर को पेपर से बनाते हैं, ये पेपर एयर फिल्टर बोलते हैं। अभी ये मैं रेगुलरली एवरी मंथ इसे क्लीन करता हूँ, इसलिए ये आराम थोड़ा क्लीन ही दिखता है। अब एयर फिल्टर का ये चैम्बर है, वो चैम्बर को भी आप कपड़े लेकर क्लीन कर दो। इस चैम्बर में नीचे के तरफ में ऑयल के ड्रॉप्स दिखते हैं, तो वो क्लॉथ रख के स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से उस ऑयल को खींच दो। वो ऑयल को क्लीन करना ज़रूरी है ताकि ऑयल कार्बोरेटर में नहीं घुस सके। ये था
एयर फिल्टर चैम्बर का क्लीनिंग प्रोसीजर। इस क्लीनिंग में स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेके क्लॉथ को अंदर घुसा के ऑयल के ड्रॉप्स को पूरे निकाल दो। अभी चैम्बर साफ हो गया। इसके बाद अब करना क्या है का तो इस एयर फिल्टर को क्लीन करना चाहिए। ये क्लीन करने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक क्या कहते हो, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर से आप क्लीन कर सकते हो या ब्लोयर से क्लीन कर सकते हो। आपके घर में ब्लोयर या हेयर ड्रायर है तो उसके इस्तेमाल करके एयर प्रेशर से क्लीन करो, क्योंकि ये पेपर से बना हुआ है, इसे वाटर या लिक्विड से नहीं क्लीन किया जा सकता। सिर्फ एयर ब्लोयर या ड्रायर से क्लीन करना चाहिए। अगर बहुत हेवी डस्ट पकड़ दिया, अब क्लीन करने से भी नई डस्ट निकल रहा, तो आप नया एयर फिल्टर खरीद दो। एयर फिल्टर का खरीद शोरूम में अराउंड 300 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये देखिए, अपना एयर फिल्टर क्लीन हो गया। अब ये फिर से 100% एयर कार्बोरेटर को देगा। इसके वजह से आपका ब्लैक स्मोक प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। 3000 RPM में जो हिकअप्स फील हो रहा है आपका गाड़ी का, वो भी गायब हो जाएगा। आपका गाड़ी का माइलेज 45 आ जाएगा। आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस स्मूथ और पावरफुल हो जाएगा। पिकअप भी बढ़ेगा। अब फिर से एक बार कुछ ऑयल है तो कपड़े को लेकर ऑयल के ड्रॉप्स को क्लीन कर दो। अब ये एयर फिल्टर का चैम्बर को आराम से क्लीन कर दिया हूँ। अब इसके बाद वापस इस एयर फिल्टर को अंदर रख देते हैं। साइड से स्लाइड करके अंदर को ठकल दो। ठकल को उस चैम्बर में बराबर बिठा दो। बिठाने के बाद अब इस बैठ गया। इसके बाद इस कुपर का चैम्बर का डूम ले लो। इसे भी कपड़े से क्लीन कर दो। डस्ट दिखता नहीं, पर लाइट से जरा जरा रहता है। क्लीन करके साइड से स्लाइड कर दो अंदर को। स्लाइड कर डाल के उसके प्लेस में फिर से वापस सेट कर दो। मैक्सिमम सर्विस मतलब ये एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, चेन क्लीनिंग, ये तीन ही होते हैं सर्विस। हर महीना ये तीन को क्लीन करके साफ करते हैं तो आपकी गाड़ी 45 किलोमीटर्स पर लीटर एनी टाइम देगी। कैसे भी ड्राइव करो, आप कौसा भी स्पीड में ड्राइव करो, आपकी माइलेज कुछ भी नहीं कम होगी। अब उस रबर का सीलर को वापस सेट कर दो। अब स्क्रूज को वापस फिट कर दो। पूरे 5 स्क्रूज रहते हैं। वापस स्क्रू को फिट कर दे के टाइट कर दो। अब ये एयर फिल्टर क्लीन रहने से आपका गाड़ी का ड्राइविंग क्वालिटी बहुत आराम से, बहुत स्मूथ, नई जैसी बनेगी। इसके लिए सर्विस सेंटर के पास जाके 1000 रुपीज़ बेकार में खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। खाली एयर फिल्टर क्लीन करो, स्पार्क प्लग क्लीन करो, चेन को क्लीन करके रुब्रेट करो। ये तीन आप एवरी मंथ मेंटेन करते हो तो आप किसी सर्विस सेंटर के जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी गाड़ी को 45 किलोमीटर्स पर लीटर कैसे भी ड्राइव करो, आपकी गाड़ी से आपको आएगा। वापस इन 5 स्क्रूओं को फिट कर दो। उसके बाद वो रबर का एयर ब्लॉकर है ना, उसको उसका प्लेस में खींच दो। अब 5 स्क्रू फिट हो गए। अब इस रबर को बैक पुश कर दो। ये करेक्ट पोजीशन है इसका। अब इसके बाद ये एयर पाइप को उधर रख दो। वो इंजन को जाता है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, वो इंजन देख लेगा। इसके बाद आपको करना क्या है का तो इस साइड पैनल को फिट करना है। इस
साइड पैनल को लेको फिट करना है। इस साइड पैनल में नीचे दो होल्स है ना, वो दो होल्स उसमें बैठेंगे, तो इस वो दो होल को आराम से साफ कर लो, ऊपर से नीचे की तरफ पुश करो। पहला वो दो होल में बिठाओ उसको, ऊपर से नीचे तरफ पुश करो। इसके बाद पेट्रोल के टैंक पर से एक पिन है ना, उसे पुश कर दो। उसके बाद बैक साइड एक पिन होता है, उसे भी पुश करो। ये तीन फिटिंग्स। उसके बाद अब LN स्क्रू और स्टार स्क्रू, ये दोनों को फिट कर दो वापस उनके प्लेस में। ये LN स्क्रू है, LN की लेके फिट कर दो। उसके बाद स्टार स्क्रू लेके वो पीछे वाले का स्क्रू को भी स्टार स्क्रू से फिट कर दो। अब ये LN की फिट हो गया, अब स्टार स्क्रू फिट कर दो, हो गया। अब सीट को वापस उसके प्लेस में बिठा लो। सामने एक वो लॉक है ना, उसके नीचे से जाना चाहिए करके पीछे पुश कर दो, हो गया, सीट बराबर बैठ गया। अब आपका एयर फिल्टर क्लीन हो गया। आप एवरी मंथ एयर फिल्टर घर में खुद क्लीन कर दो, स्पार्क प्लग और चेन भी क्लीन कर दो। आपकी गाड़ी 45 किलोमीटर माइलेज ज़रूर देगी, आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करो, इग्निशन ले लो, देखो अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, फुल कंडीशन में आ गई गाड़ी। अब इंजन ऑयल एवरी 6 मंथ्स को बदला दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।